हरियाणा से मतलू बदमाश को लेकर जा रही गुजरात पुलिस की एसयूवी जयपुर के करीब खौफनाक हादसे का शिकार हो गई है। कार में सवार चार पुलिस एहलकार और एक बदमाश मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा इतना खौफनाक था कि लाश को काट कर गाड़ी से बाहर निकालना पड़ा। कर्नाटक के मुतअद्दिद अजला से ये खबरें आ रही हैं कि मुतअद्दिद हाई स्कूल्स में न सिर्फ तालिबात बल्कि उस्ताजा के भी स्कूल अहता में दाखिले से पहले हिजाब उतरवाए जा रहे। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखला नीरू रतन मिश्रा के आबाई जिला और असम्बली हल्का दीता में हिजाब को लेकर हंगामा हो गया। दतिया कॉलेज कैंपस में पैर की दोपहर स्कॉलरशिप कैंप के दौरान उस वक्त हंगामा हुआ जब हिजाब पहने दो तालिबात कैंपस में आ गई। इसके इतला मिलते ही हिंदू तंजीमों के कारकुन कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। आज़ादी के 70 बरस बाद भी सस्ता और बेहतर इलाज आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए मसला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला के मशहूर आंख के डॉक्टर विवेक वर्मा ने सिर्फ 60 रुपए की फीस में आंखों का इलाज करते हुए इस मसले को हल करने की पहल की है। अब तक वो हजारों लोगों को दुनिया के रंगीन नज़ारे दिखाने में कामयाब रहे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अर्जी पर समाज से इनकार के बाद अश्वनी अपाध्याय ने हाई कोर्ट से रजू किया। अर्जी में यकसान निसाब के लिए रहनुमाई खतूत जारी करने और मुश्तरका निसाब के निफाज की मांग की गई थी।